हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, हॉट सा है ये। मुझे किसी ने बाय मेल भेजा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। डिवाइड बाय कॉस थीटा बोथ साइड, ये जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। जो देगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन थीटा प्लस टू ए बी, और जो देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सीकेंट थीटा। यहाँ हम स्क्वायरिंग की ऑप्शन दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू टू ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, यहाँ हम सीकेंट स्क्वायर खोल देंगे। व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर? वन प्लस टेन स्क्वायर। आइए थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। जब ये तीनों टर्म्स मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं एक बार। जी, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा माइनस फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन थीटा प्लस ए स्क्वायर का बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ दोस्तों हमने टैन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालना है फर्स्ट टू टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से टैन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालना है। हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा टैन थीटा। और फिर हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये हम सारा खोल देंगे, इसको खोल देंगे तो ये खोल के बन जाएगा ए फोर प्लस बी फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा ये ए फोर प्लस बी फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे, ठीक है दोस्तों, जब आप दोस्तों इसको खोलेंगे आप जब आप इसको खोलेंगे तो ये जब खोल के बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस फोर ए बी है ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन थीटा है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक आपका क्वाड्रेटिक बन गई। अब यहाँ चाहो तो टैन थीटा को यदि एक्स मान लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये जनरल फॉर्म में आ गई है, ये आ गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रही है। ये मिरर टर्म करेंगे हम यहाँ पर, या होल स्क्वायर बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा टू ए बी टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, जीरो, क्योंकि सामने जीरो था। तो इसका मतलब टू ए बी टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टू ए बी टैन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया दोस्तों व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन की कैटेगरी काफ़ी अच्छी रही। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी पास हैं। विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।